कर दिया हम रिकॉर्डिंग ऑन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैम कैन यू कीप मी अनम्यूट टुडे एंड डिस्कवर। ओके ओके चिल्ड्रन नो प्रॉब्लम। मैम मैंने पिनहोल कैमरा प्लीज देख लीजिए। मैम प्लीज आल्सो अनम्यूट मी बिकॉज़ सम टाइम्स योर वॉइस इज नॉट कमिंग। ओके चिल्ड्रन। मैम मेरा पिन होल कैमरा देख लीजिए ना, मैंने दिखाने का कोशिश की। जस्ट जस्ट मैं देख रही हूँ, देख रही हूँ। हाँ अपना वीडियो खोलो। ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आई एम टेकिंग क्लास इन योर स्कूल एंड यू ऑल्सो लुक एट द ब्लैक बोर्ड। ओके आराध्या सिन्हा, यू हैव मेड द पिन होल कैमरा। Aradhya Sinha, you have made the pinhole camera? No. अपना video on करो। अच्छा okay, one minute. First Anushka Vats. Good morning, ma'am. Good morning, children. Wait, wait one minute. शैली तिवारी एक मिनट। अमन राज एक मिनट। Read the reflection of light. Yes. अमन राज, you have made the pinhole camera. Show me. Yes, very good, very good. Your pinhole camera. Okay, children. Aman Raj, very good. Your pinhole camera is very good. और आपने देखा उसमें पिक्चर इन्वर्टेड बन रहा है? आपने देखा उसमें पिक्चर इन्वर्टेड बन रहा है? Aman Raj. Yeah, I'm showing light on the top on the mirror and it is going to the wall. अच्छा, okay. ओके वेरी गुड अमन राज, योर पिन होल कैमरा इज वेरी गुड। और अमन राज एक मिनट, आप अपना आपका वीडियो तो मैंने देख लिया, इट इज वेरी गुड। एंड आप देखे हो कि बटर पेपर पे ये इन्वर्टेड एंड स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है? अमन राज मैम, आई ऑल्सो मेड बट मैम आई कांट एबल टू On my camera. अच्छा okay. शैली तिवारी, you have made the pinhole camera? Yes, ma'am. Show me. Yes, शैली तिवारी, show me your pinhole camera. अच्छा okay children. First I want to teach something. मुझे 30 तक पढ़ाने दो, इसके बाद I will see your pinhole camera. No problem. ठीक है? ओके मैम। ओके थोड़ी देर पढ़ा लेना तो उसके बाद। ओके देन चिल्ड्रन हियर, ऑन सैटरडे आई हैड एक्सप्लेन्ड अबाउट द इमेज फॉर्मड बाय प्लेन मिरर। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्मड बाय प्लेन मिरर? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्मड बाय प्लेन मिरर। द इमेज फॉर्मड ऑन द प्लेन मिरर इज ऑफ द सेम शेप एंड साइज। Is of the same shape and size, and image formed on the plane mirror is at the same distance. Is at the same distance as the object is in front of the mirror. इसका मतलब है कि first it is same shape and size. आप लेफ्ट देख पा रहे हो? Yes, ma'am. आप ब्लैक बोर्ड देख पा रहे हो ना? ओके द फर्स्ट मैम। यस मैम, आई एम अनेबल टू सी योर ब्लैक बोर्ड। यस वेरी गुड। सेम शेप एंड साइज, इमेज फॉर्मड बाय प्लेन मिरर फर्स्ट इज सेम शेप एंड साइज, सेकंड इज इमेज फॉर्मड इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर
and the object is in front of the mirror. Second thing, form, image form. And the image form at the same distance. Image formed at the same distance behind the mirror. Behind the mirror. And the object is. Yes. And the object is in front of the mirror. Video is paused and voice is not coming. Yes, ma'am. Voice is not coming. Okay, 1 minute. मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? Yes. मैं ब्लैकबोर्ड रखता हूँ। Yes. इस साइड मार्कर मुझे। Your voice is coming, but your video now. Yes, now is okay. Okay. मैम ये yes मैम ना। First is same shape and size. Second is image form at the same distance behind the mirror at the object. In front of the mirror, जैसे object, जितने दूरी पे रहते हैं उतने ही दूरी पर इमेज हमारा इसके मिरर के पीछे बनता है. ओके, थर्ड, इमेज इज इन्वर्टेड इन नेचर. इमेज इज इन्वर्टेड इन नेचर मतलब कैसा है इमेज? उल्टा है. थर्ड इज इन्वर्टेड. Third is inverted in nature. मतलब inverted, sorry, inverted letter inverted. Literally inverted. Image formed by plane mirror is laterally inverted. तो laterally inverted का मतलब होता है अगर आप left hand, अगर आप right hand उठाओगे तो image में आपका left hand होगा. अगर आप लेफ्ट हैंड उठाओगे तो इमेज में आपका राइट हैंड होगा. इट इज कॉल्ड एज लेटरली इन्वर्टेड इमेज. यस, तो लेटरली इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर. ओके, एंड द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल इन नेचर. वर्चुअल इन नेचर. इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल इन नेचर मतलब वैसे इमेज को हम कहीं भी स्क्रीन पे हम नहीं देख सकते हैं. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज वर्चुअल इन नेचर. देन कम ऑन, नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर एंड शैडो. दोनों में डिफरेंस क्या हो सकता है? इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर एंड शैडो. These are the characteristics of the image formed by plane mirror. So, कैसे difference करेंगे? How we can differentiate the image formed by plane mirror and shadow? तो आप जानते हो children? Ma'am, I have a question. मुझे पहले इस topic को explain करने दो. Then I will solve your problem. First I want to complete this chapter. Complete this topic. The difference between shadow and the image formed by plane mirror. Okay. Image is always black in color. Image जो होता है वो हर हमेशा black color का होता है. हाँ, किसी भी color का हम ले, maybe red, किसी भी color का object हो, red, green, orange, any color object. But image is always black. For shadow is always black in color, but image is not black in color. जैसे आप कपड़े पहने रहोगे उसी प्रकार का आपका इमेज आएगा. But shadow is always black in color. Okay. Shadow को प्राप्त करने के लिए to get the shadow हम लोगों को जरूरत होती है किसकी? Screen की. हाँ, but to get the image of a plain mirror, screen is not necessary. Screen is not necessary. Second difference. Third difference. Shadow. Shadow not give the complete information of an object. अगर suppose करो मेरा shadow कहीं बना, हाँ,
मान लीजिए मेरा शैडो कहीं बन रहा है, तो हम आपको कहेंगे कि बताओ कि किसका शैडो है, तो आप नहीं बता सकोगे कि किसी खास मैडम का शैडो है या किसी बच्चे का शैडो है या किसी किसी और किसी मैन किसी ह्यूमन किस ह्यूमन बीइंग का शैडो है, आप नहीं बता सकते हो बाय सीइंग देयर शैडोज, बट बाय सीइंग द इमेज, इमेज देखते थे आपको हम बता देंगे कि ये पार्टिकुलर आदमी है। जैसे आप बच्चे हो, किसी भी क्लास के बच्चे हो, तो अगर आप स्कूल ड्रेस में मेरे सामने चले आओ तो मैं बता दूंगी कि आपका नाम ये है। लेकिन अगर आपका शैडो कहीं बन रहा है और शैडो को देख करके कोई किसी से पूछा जाए बताओ तो ये किसका शैडो है, इट कांट बी गिव द कंप्लीट इंफॉर्मेशन। आपको कैसा सूट पहना है, वो किस प्रकार के अगर कपड़े पहने हैं, वो किस प्रकार के ड्रेस पहने, ड्रेस का कलर क्या है, सो वी कांट गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन बाय सीइंग द शैडो ऑफ योर ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का शैडो देख करके हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, बट इमेज को देख करके वी गिव द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम किसी भी ऑब्जेक्ट का कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम दे सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, सेकंड थिंग, देयर इज अ प्रोसेस ऑफ लेटरल इन्वर्शन। ये जो आपका लेटरल इन्वर्शन फेनोमेनन है, lateral inversion phenomenon hai, this lateral inversion phenomenon takes place in plane mirror but not in case of shadow. aap shadow mein aap maan lo aap apna right hand utha rahe ho to right hand ka shadow ban gaya, phir aap left hand utha rahe ho to left hand ka shadow ban gaya, lekin ye jo shadow hai ये आप लेफ्ट और राइट हैंड का दिस फेनोमेनन डजंट टेक प्लेस और ऑन दिस बेसिस वी कांट मैन दिस इज शैडो। ओके, सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन इमेज फॉर्मड बाय प्लेन मिरर एंड द शैडो। इन योर बुक 5 पॉइंट्स आर गिवन। ओके, एंड image cannot be obtained on a screen but shadow. Ma'am, can you see my screen, Shali Tiwari? Shali Tiwari, what's problem? Pinhole camera. Ma'am, can you see my screen? Yes, it is your pinhole camera. No, ma'am. आपका pinhole camera है? Shadow. Yes, very good. Aman Raj का बहुत अच्छा है। अच्छा एक मिनट जितने अच्छा पहले इस टॉपिक को खत्म करने दो ना, इसके बाद आप लोग का पिन होल कैमरे पे मैं चली आती हूँ। ओके, पहले मैं इस टॉपिक को खत्म कर दूं, देन आई विल कम ऑन पिन होल कैमरा टॉपिक। ओके, वन मिनट चल रहा। सो वन मिनट चल रहा। सो द डिफरेंस बिटवीन इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर एंड शैडो, very very important questions. okay, jaisa aapke book mein likha hua hai, image shows lateral inversion, the image formed by plane mirror shows lateral inversion, but the shadow formed by any object or the phenomenon of lateral inversion doesn't takes place in case of shadow. so these are the differences between image formed by plane mirror and shadow. आई थिंक आपको समझ में आई होगी। शैली तिवारी समझ में आया? यस मैम। अनुष्का आवाज समझ में आया? यस मैम। ओके, एक मिनट चिल्ड्रन। मैम आपने अभी जो बताया वो मुझे समझ में नहीं आया। क्या चीज नहीं समझ में आया? मैम अभी जस्ट जो आपने बताया। अच्छा, द डिफरेंसेस बिटवीन No, ma'am. I understood that. The difference between plane mirror image formed by plane mirror and shadow. No, ma'am. I have understood that, ma'am. About pinhole camera. Okay. Just going to explain about the pinhole camera. Okay. Just I am going to explain. Again. आप ब्लैक बोर्ड देख पा रहे हो अच्छे तरीके से? यस मैम। ओके चिल्ड्रन,
One thing I am going to explain about again, children. The inner picture. The difference. I think there is no problem between the pinhole camera and image form. Sorry, image formed by plane mirror and shadow. What? And no problem. No problem. How are you? About the pinhole camera. Pinhole camera hai kya? It is a simple device. It is a simple thing which tells us that light travels in a straight line. ये बताता है कि light कैसे straight line में travel करता है. अगर light straight line में travel नहीं करता तो एक बड़े object का image एक butter paper पर वो भी inverted and smaller than the object image नहीं बनता. Okay, so how you can make the pinhole camera? अनुष्का बस मैं समझा चुकी हूँ और मैं बता चुकी हूँ how to make the pinhole camera. मैं कैसे हम लोग pinhole camera इस चीज को मैं समझा चुकी हूँ और किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. ओके, देन कम ऑन चिल्ड्रन. मैम मैं उसकी डिफिनेशन सिर्फ बोल रही थी. अच्छा, ओके. देन नेक्स्ट टॉपिक इज this chapter. I think this chapter is completed, but yes ma'am, it is completed, but I will not go on. Ma'am, can we answer the question and answers of it? 1 minute. First I want to say some questions related to this topic. Pehle main is topic se related kuch question aapko dungi, jaise ki aap bacche samjhe ho ya nahi samjhe ho. First, I want to say some questions. 1 minute. Yes. Yes, ma'am. Ha, 1 minute. Ayush Raj. आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे. आयुष राज. अनुष्का कुमारी. 1 minute. Anushka Kumari. Ma'am, I have to ask how to make pinhole camera. How to make pinhole camera? Listen, children. हम pinhole camera कैसे बनाएंगे? और मैं दूसरी बार बताने जा रही हूँ. Listen carefully. How to make pinhole camera? Okay. देखिए, बहुत बच्चे क्या करते हैं, अगर आपके घर में वो जो आपका सूट आता है, जूता आता है, उसके अगर डब्बे हो तो आप उससे भी पिन होल कैमरा बना सकते हो. और यू विल टेक अ चार्ट पेपर. आप एक मोटी वाले चार्ट पेपर ले लो, उसको सिलिंड्रिकल, उसको राउंड कर दो, रैप करो. ओके ओके. सैली तिवारी, आपने किससे बनाया है? डब्बे से बनाया है. ओके. यस मैम. हाँ, आपने सैली तिवारी, तुमने डब्बे से बनाया? यस मैम. तो आपका बटर पेपर से इन्वर्टेड और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट इमेज बनता है? यस मैम. ओके, वेरी गुड. देखिए, जब बनता है देन यू आर वेरी गुड. देखिए, बहुत बच्चे बना लेते हैं लेकिन उसका इमेज बटर पेपर पे नहीं बनता है. और अभी आप बच्चे सबको ही आप नेट का यूज कर रहे हो और पढ़ाई करते हो, ऑनलाइन क्लास पढ़ाई कर रहे हो. तो जस्ट आई एम गोइंग टू टेल यू, आप यूट्यूब पर भी देख सकते हो हाउ टू मेक पिनहोल कैमरा. फिर से मैं बता रही हूँ, पिनहोल कैमरा यू टेक आज जिसमें आपके सूज आते हैं वो आप एक डब्बे ले लें. हाँ, अच्छा, उस डब्बे के एक तरफ पूरे आप जो उसका रेक्टेंगल पोर्शन है उसको हटा दो, आप इस तरफ भी हटा दो और उसको अच्छे तरीके से उसको पेस्ट कर दो, एक पेपर से पेस्ट कर दो. अब एक दूसरा सिलिंड्रिकल डब्बे लो जो जिसका की साइज उससे छोटा हो ताकि वो दूसरे वाले में अंदर उसके दूसरे वाले के अंदर जा सके. देन यू टेक स्मॉल रेक्टेंगुलर बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर एंड रैप इट. उसको भी आप दोनों तरफ आप कट कर लो. एक तरफ आप बटर पेपर लगा दो
और जो बड़े वाले जो बॉक्स लिए थे उसके एक तरफ आप अल्मीनियम फॉइल लगा दो और एक जगह आप उसको हल्का सा छोटा सा छेद कर दो, आप होल्ड कर दो ओके। और ये छोटा वाला जो आपका बॉक्स है ऐसा करो कि वो उसके अंदर आ सकता है जा सकता है, आ सकता है जा सकता है। अब देखो किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज आपके बटर पेपर पे इन्वर्टेड उल्टा बन रहा है और उस ऑब्जेक्ट से छोटा बन रहा है, तभी हम कहेंगे क्या हमारा सही पिन होल कैमरा बना। एंड इट ऑल्सो प्रूव्स दैट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। आई हैव एक्सप्लेन सो मेनी एग्जांपल्स, मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स को लिया था एंड बाय सीइंग दिस एग्जांपल्स that light travels in a straight line. This chapter is completed. But कुछ बच्चे पूछ रहे हैं how to make pinhole camera. मैंने 2/3 times बताया। अनुष्का कुमारी समझ में आया? Yes ma'am. Okay. One minute. अनुष्का कुमारी, can you tell me how you can say that light travels in a straight line? आप कैसे कहोगे कि light straight line में travels कर रहा है? मैंने 3 activities बताया। Yes, yes ma'am. Pinhole camera. Taking a candle. Second, by taking shot. Third, by taking a pinhole camera. मैंने candle से बताया था। Suppose करो आप जैसा आपका tube का piece आता है तो आप एक और इसको इसी जगह पे रख। Okay. बर्निंग कैंडल, अब यहाँ पे आपका बर्निंग कैंडल, हाँ, here is the burning candle, the burning candle, burning candle, तो कोल है, तो एक कोल बना, अब सेकंड कोल जो पीस लिया था उसको सेम जगह पे होल्ड करोगे। अगर आप यहाँ पे होल्ड करोगे इस लाइट रेज को आप स्क्रीन पे नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। अगर आप उसी होल को यहाँ बना दें तो आप यहाँ होल बना, तो सेम डिस्टेंस पे आप यहाँ होल बना, देन लाइट ट्रैवल थ्रू दिस और फिर इसी लाइट को हम स्क्रीन पे देख सकते। तो बाय टेकिंग 2 pieces of thick paper या जैसे फूट के डब्बे वगैरह आते हैं जिसमें आपके कुछ सामान मार्केट से आता है, उस डब्बे को लेकर के यू कैन डू दिस एक्टिविटी इन योर होम बाय टेकिंग अ बर्निंग कैंडल। तो दिस इज वन एक्टिविटी, बाय दिस एक्टिविटी वी कैन से दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। सेकेंड थिंग इन केस ऑफ शैडो, जैसे आप लिए थे सेकेंड एक्टिविटी, सपोज दिस इज अ टॉर्च, सपोज करो यह आपका टॉर्च ओके, सपोज दिस इज अ टॉर्च एंड देयर इज अ कार्डबोर्ड हियर, देयर इज अ कार्डबोर्ड हियर, this cardboard is round in structure and there is a screen here. Suppose तो यहाँ पे एक screen बने हुए हैं और there is a light coming from this torch, light coming from this torch and the shadow is formed here. अब इसका shadow जो है वो बाहर हमारे okay, the shadow is formed there but when we move this circular cardboard, यहाँ पे मैंने क्या लिया circular cardboard और circular
in view. This activity is given in your book, that is on page number 192. Page number 192. Up to, dekho idhar. Light coming from like this. Up to kya karoge? इसी कार्डबोर्ड को अगर आप इसी कार्डबोर्ड को अगर आप इस पोजीशन पोजीशन पे ले आए, सपोज करो दिस इज योर टॉर्च, ओके, एंड लाइट इज कमिंग फ्रॉम दिस, और जब इसी कार्डबोर्ड को आप इसके निकट ले एंड देन शैडो इज फॉर्म विच इज bigger in size, which is bigger in size. ये आपका shadow बना, that is bigger in size. It means, it proves that shadow depends of first. This activity also tells us that light travels in a straight line. ये एक्टिविटी ट्रैवल करता है. सेकंड थिंग और एक लड़का हम साल की बात के शैडो डिपेंड्स ऑन अच्छा बनेंगे ध्यान दो ऐसे यहां पे कितना है तो यहां पे उल्टा दिखना चाहिए छोटा दिखना चाहिए शेप एंड साइज ऑफ शैडो ये आपका टॉर्च है The shape and size of shadow depends upon relative position of source of light. This is source of light. अभी आप blackboard से पढ़ रहे हो तो आप अच्छे तरीके से समझोगे. This is source of light and this is an object. So shape and size of shadow depends upon relative position of source of light and the object position or distance of an object. जैसे आप object को दूर ले जाओगे, इसका shadow छोटा बनेगा. जैसे आप object को निकट लाओगे, इसका shadow आपका बड़ा बनेगा. समझे? तो मैंने कहा था यू विल डू दिस एक्टिविटी इन योर होम. अभी आप घर में हो, यू विल डू दिस एक्टिविटी. हाउ द शैडो डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ सोर्स ऑफ लाइट. तो एट ए मैम व्हाट मैम अमन राज इज शोइंग हिज कैमरा एंड राइट रिटन दैट आई हैव सम प्रॉब्लम प्लीज अनम्यूट मी. अमन राज हैज प्रॉब्लम. Yes, ma'am. See his video. अमन राज को मैं पहले अनम्यूट कर दूं. मैम उसका हैंड रेज है. हाँ मालूम है. हाँ हैंड भी उसका रेज है. मैम वो म्यूट है. मैम अमन राज मैम मुझे पूछना था कि मैम पिनहोल कैमरा में सिर्फ शैडो ही दिखते हैं. पिनहोल कैमरा में शैडो नहीं दिखता है तो पिनहोल कैमरा में इमेज बनता है. वही मैम. मैम बस उल्टा इमेज बन रहा है मेरा. यस आपका उल्टा इमेज. एक मिनट अमन राज आपका उल्टा इमेज बन रहा है. यस मैम. मैम मैं शो भी कर सकता हूँ. मैम यहाँ एक ट्री है. मैम यहाँ वो यहाँ उल्टा बन रहा है. उल्टा बन रहा है. वेरी गुड. आप उसको देखिए मैम. आप दिखलाइए अमन राज. यस मैम यस मैम दिख रहा है मैम. मैम ये ट्री जो है ना मैम वो वाला मैम यहाँ उल्टा बन रहा है. अच्छा वेरी गुड. वाह वाह वेरी गुड. अमन राज आप अपना पिन होल कैमरा आप स्कूल लेकर के आओगे जब भी स्कूल खुलेगी तो आप उसको. ओके मैम मैं लेकर आऊंगा. यस आप उसको अच्छे तरीके से रखोगे ताकि हम और बच्चों को भी दिखा सके कि हाउ द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द पिन होल कैमरा. तो पिन होल कैमरा मैम बनता है. पिन होल कैमरा में इमेज बनता है. समझ में. ओके मैम. अभी मैं सबका प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ. ब्लैक बोर्ड देखिए. अगर आप कार्डबोर्ड को
different colors of color kar maybe green sandwich on the track aap isko red in color se kar do always sad black in color it means shadow that is उस पर डिपेंड नहीं करता है समझ में आ गया एक्सक्यूज मी मैम दिस इज सेकंड एक्टिविटी और पिन होल कैमरा थर्ड एक्टिविटी अगर कोई क्वेश्चन पूछे हाउ यू कैन से दैट कैमरा पे नहीं कुछ हो रहा है एक मिनट अब मैं आपका जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम पे आऊं आपका क्या प्रॉब्लम है एक मिनट अनुष्का वत्स यू हैव प्रॉब्लम यस मैम नो मैम आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम अमन राज एक मिनट फिर अमन राज रेगुलर रिफ्लेक्शन यू गेट हियर व्हाट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन देखिए मैं फिर से समझाने जा रही हूँ रेगुलर रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन ध्यान से समझिए जो बच्चे नहीं समझे तो मैं उसको म्यूट कर दूंगा मैम अमन राज के सिस्टम से आवाज आ रहा है जस्ट मैंने उसको म्यूट कर दिया ऑनलाइन क्लास अगर लुक एट मैम वो म्यूट है What is the difference between regular? Ma'am, किसी के background से फिर आवाज आ रही है. Yes, ma'am. Ma'am, अमन राज on mute है. आइए
surface. Okay. When the light coming like this and reflect like this, when the light coming like this and reflect like this, coming like this and reflect like this, it means this is called as regular reflection. Why it is called as regular reflection? Because all the reflected rays are parallel to each other after reflection. रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है, जितने भी रिफ्लेक्टेड रेज हैं, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज रेगुलर रिफ्लेक्शन. सो द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस ऑन अ स्मूथ और पॉलिश सरफेस, इट इज कॉल्ड एज रेगुलर रिफ्लेक्शन. बट व्हेन द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस ऑन रफ सरफेस, जब ये रिफ्लेक्शन होता है, देन all the reflected rays are not parallel to each other. That's why they are called as irregular reflection. तब हम उसको क्या कहेंगे? Irregular reflection. Irregular reflection. Okay. किसका problem था? अनुष्का. Your problem is solved. मैम मुझे अमन राज का problem था. अमन राज के system से. अमन राज का problem. अमन राज के system से आवाज आ रही है. मैं उसको अभी अनम्यूट नहीं करूंगी. आराध्या मैम मुझे एक प्रॉब्लम है. मैम मुझे प्रॉब्लम है. वन मिनट मैम. आराध्या वन मिनट. ऋषभ राज यू हैव प्रॉब्लम. अनुष्का मैम. अनुष्का वसे और प्रॉब्लम. मैम मुझे प्रॉब्लम है. वसे मैम अगर लाइट रिफ्लेक्ट होता है मिरर से तो मैम उसको क्या बोला जाता है? जब लाइट रिफ्लेक्ट होता है मिरर से तो मैम मैम जब ऑब्जेक्ट मिरर पे जब उल्टा बनता है तो मैम उसको क्या बोला जाता है? जब जब इमेज उल्टा बनता है तब उसको कहते हैं इनवर्टेड इमेज. ओके मैम. जब भी उल्टा इमेज बनता है तब उस प्रकार के इमेज को हम कहते हैं इनवर्टेड इमेज, लेकिन जब सीधा इमेज बनता है तब उसको हम कहते हैं इरेक्ट इमेज. आराध्या मैम आज मैम नेटवर्क इश्यू की वजह से मैम अपना पिन होल कैमरा नहीं दिखा पाई, तो मैम मैं कल दिखा सकती हूँ? अगर अभी आपका है दिखलाइए. मैम मेरा मैम वीडियो स्टार्ट नहीं हो पा रहा है. अच्छा ओके, देन टुमारो यू विल शो. आप कल दिखलाओगे? ओके मैम. कैमरा स्टार्ट नहीं हो रहा तब कल दिखाओगे. अच्छा कुमारी अपूर्वा. यस मैम. योर प्रॉब्लम मैम वो मैम शुरुआत के मैम 10 मिनट में मैं नेटवर्क इशू के वजह से आ नहीं पाई थी, तो मैम क्या बता सकती है मैम उसमें आप क्या कुछ खास पढ़ाई थी क्या? हाँ मैंने पढ़ाया था व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, मींस पिछली जो मैं क्लास में जो पढ़ाई थी मैं उसी को रिपीट की. What are the characteristics of image formed by plane mirror? आपको मालूम है प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है उसका characteristics क्या है? What are the characteristics? मतलब it is always virtual in nature. It is always laterally inverted in nature. The image formed by plane mirror is of the same shape and size. First, आप